आप सबका स्वागत है। राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी आइए हम आपको बताते हैं, पूजा विधि भी बता रहे हैं। राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ये जैसे भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसके 15 दिन बाद भाद्र शुक्ल पक्ष को अष्टमी को मनाई जाती है राधा अष्टमी। जैसे कि आप पहले सुबह उठेंगी मॉर्निंग में, तो पहले अपना दिनचर्या जो होता है साफ सफाई घर का होता है, उससे स्नान वगैरह करने के बाद आप माता रानी के जहाँ पूजा करेंगी वहाँ साफ सफाई करिए। चौकी को अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल चुन दीजिए। सब साफ सफाई करने के बाद या था आपके पास गोझरन हो तो गोझरन से भी आप उसको छिड़काव कर सकती हैं। उसके बाद फिर आप चौकी को वहाँ पीछे रखिए, उसके बाद कपड़े पीला वस्त्र उस पर बिछाइए चौकी पे, उसमें पीला चावल छिड़क दीजिए या स्वास्तिक बना दीजिए, ओम बना दीजिए जो आपको आता बना दीजिए, नहीं आप ऐसे भी छिड़क सकती हैं। फिर कलश स्थापना किया जाता है तो कलश का अपना दूसरी फल मंगा लीजिएगा, उसमें भी पीला नारियल, फिर फल में भी नारियल जो होता है आपको उसमें पीला चुंदरी लपेटी जाएगी और माता रानी को आप वहाँ पे मूर्ति को स्थापित करिए। अगर आपकी मूर्ति नहीं है, आप कैलेंडर में है तो कैलेंडर को स्थापित करिए, नहीं है तो आप कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ पर स्नान करा के आपको वहाँ पे विराजमान करिए। फिर राधा रानी आप इसमें, राधा रानी तो वैसे भी बिना कृष्ण के अधूरा है, कृष्ण राधा बिना अधूरे हैं, तो ये उसी में विराजमान है माता रानी। हम आपको दोनों का हम इसमें आवाहन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दक्षिणा जरूर निकाला जाता है, दक्षिणा निकाल दीजिएगा, माता रानी चढ़ा दीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। फल फूल मिष्ठान भावना से अर्पित करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान ने दिए हैं सामर्थ्य तो आप पूजा पाठ विधि विधान से करिए। गणेश जी का पूजा किया जाता है क्योंकि वो, अगर आपके पास गुरु जी हैं गुरु बनाए हैं तो पहले गुरु जी को आह्वान करिए, फिर गणेश जी को आह्वान किया जाएगा, फिर और अपने राधा कृष्ण को आप बुलाइए, उनको आप निमंत्रण दीजिए, आह्वान करिए कि माता रानी आइए हमारे चौकी पर विराजमान हुई है। पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, कोई भी व्रत रहते हैं बिना संकल्प के पूजा आपका व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प का मंत्र होता है, उसे आप आमंत्र पहले संकल्प लेने के बाद तो पूजा शुरू होती है। जिससे मंत्र नहीं आता है आप ऐसे भी आप पुष्प जल लेके माता रानी को कहिए, माता रानी आज मेरा व्रत है, तो आप बोलिए राधा अष्टमी का व्रत है माता रानी, हमारा व्रत को आप संकल्प लेते हैं, हमारा व्रत आप उसको आप अच्छी तरह से इसको समापन कराइएगा, माता रानी अपना कृपा दृष्टि बनाए रहिएगा, हम ऐसे हर साल आपका व्रत रखते रहे। इस तरह से करके और जो आपको बोलना हो आप बोल दीजिएगा। पीला चंदन लाल चंदन आप इसको अपने जो थाली में आप पहले से सब पूजा का सामान तैयार कर लीजिएगा। पीला फूल होना चाहिए, अगर कमल का फूल मिल जाता है तो कमल का फूल आप ले लीजिएगा। तो माता रानी को पीला पसंद है आप पीले हलवा बना लीजिएगा, माता रानी को पीला हलवा बना लीजिएगा आप, जैसे बेसन का माता रानी को प्रिय है तो बेसन का हलवा बना लीजिएगा। खीर बनाया जाता है केसर डाल के, आप माता रानी का भोग लगाइए, केसर का खीर बनाइए, हलवा बनाइए और माता रानी को पीला का लड्डू मंगाइए, और माता रानी को अरवी की सब्जी की भोग लगती है, और कढ़ी का भोग लगता है, और खीर पूड़ी ये सब माता रानी को प्रिय चीज माता रानी को भोग लगाया जाता है। अगर संतरा मिलता है संतरा पीला तो आप जितना आप माता रानी को भोग लगाना चाहें आप लगा सकती हैं। इतना ध्यान दीजिएगा तामसिक चीज कोई उसमें नहीं मिला हो, जैसे प्याज लहसुन वगैरह माता रानी को सात्विक भोजन का भोग लगाइए। जैसे आप लोग पूरा दिन नहीं व्रत रख पा रही हैं तो आप मध्यान्ह दोपहर 12 बजे दिन में आप माता रानी को भोग लगाइए, चरणामृत बनाइए, उनका जलाभिषेक करिए, फिर पंचामृत से उनका अभिषेक करिए, फिर उनको भोग लगाइए माता रानी को, और उसके बाद फिर जो है सुहाग का चीज है माता रानी को चढ़ाइए, और वस्त्र पहनाइए माता रानी को, सुंदर श्रृंगार करिए माता रानी का, और उनको जैसे पीला चुंदरी ओढ़ाइए, पीला चूड़ी ये सब चीज को माता रानी को सुहाग का चीज को चढ़ाया जाता है। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है सारा दिन पर तो वही पूजा वजा दोपहर में मध्यान्ह बता दीजिए माता रानी की, वही आप बनाई होंगी तो आप उसको खा लीजिएगा। मंगला आरती जरूर की जाती है, अगर दोपहर में आप पारण करती हैं तो मंगला आरती जरूर करिएगा। अगर आप दिन भर रह रही हैं तो शाम को 7 बजे जो है अपना टाइम जो मुहूर्त है उसमें आप 7 या 8 बजे तक माता रानी की मंगला आरती आप कर लीजिएगा,
भोग लगा, जैसे पंचामृत हम जैसे आपको बताए थे दोपहर में, वैसे शाम को करके मंगला आरती करने के बाद फिर अपना पारण कर लीजिए। ये सुहाग का सामान आप मंगा लीजिएगा, और जितना चाहें तो आप सामान डाल सकती हैं, सुहाग का साड़ी भी चढ़ा सकती हैं। माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाना अनिवार्य माना गया है। सुहाग के सामान में सिंदूर है, काजल है, महावर है, चुंदरी है, नेल पेंट है, मेहंदी और बिंदी और इत्र है, चूड़ी है। अगर आपके पास बड़ी मूर्ति है तो आप लहंगा चुंदरी सब पहनाइए, माता रानी को खूब अच्छी तरह से श्रृंगार करिए। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राधे राधे राधे।